अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारे घर में तो हर बंदा जो है वो खांस रहा है। जैसा कि आपको पता है कि वेदर चेंज हो गया है, तो हर घर में अब यही होगा। स्पेशली जिन लोगों को एलर्जीज हैं और जिन लोगों को कफ का इशू होता है। मुझे साइनस है, तो जैसे ही सर्दियां आती हैं, और मेरा तो वैसे सर्दियां गर्मियां सेम ही रूटीन रहती है, लेकिन सर्दियों में मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती है। यही वजह थी कि मैंने काफ़ी टाइम से कोई व्लॉग नहीं बनाया था। लास्ट 2 वीक से मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। मुझे साइनस तो है ही, उसके अलावा मुझे फूड एलर्जीज भी हैं। मैं चिकन नहीं खा सकती, मैं एग्स नहीं खा सकती, मैं नट्स नहीं खा सकती, मैं ड्राई फ्रूट नहीं खा सकती। तो परहेज़ तो मैं करती ही नहीं थी, खा लेती थी। लोगों को लगता है बड़ी मैं डाइट करती हूँ और बड़ी जिम जाती हूँ, बड़ी एक्सरसाइज। ऐसा कोई सीन नहीं है ब्रो। मेरे आगे जो आता है बस अच्छा बना होना चाहिए, साफ सुथरा, तो मैं खा लेती हूँ। तो वो मैंने चिकन खा लिया, 2-3 दिन रेगुलर मैंने चिकन खाया, एग खाया, और फिर उसके बाद जो मेरे ब्लड में इन्फेक्शन हुआ, मेरे पूरे फेस पे पिंपल्स और रेड स्पॉट्स आ गए। तो उस वजह से भी मैं व्लॉग नहीं बना सकी और मैं बहुत बीमार रही थी। और उसके बाद आज अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत ठीक हूँ। लेकिन अभी भी मेरे फेस पर, क्योंकि मैं कोई बेस नहीं लगाती, कोई ये जो लोग मुझसे पूछते हैं ना कौन सी बेस यूज़ करती हैं, वो देख लें, ओरिजिनल कैमरे में वीडियो बनाती हूँ और ये देखें, अगर बेस लगा रही होती ना तो ये निशान छुप जाते। तो अभी भी आप देख रहे होंगे मेरे पूरे फेस पे पैच पड़े हुए थे। मतलब इतनी सवेर एलर्जी मुझे हुई थी कि मेरे मेरे पूरा फेस रेड था और ऐसे लग रहा था किसी ने एसिड फेंक दिया। पानी भी लग रहा था बहुत ज़्यादा, और ये सिर्फ और सिर्फ चिकन और एग से है। तो जिन लोगों को एलर्जीज़ हैं वो थोड़ा ध्यान रखें, और जो चीज़ उनको सूट नहीं करती वो उसको अवॉइड करें। मेरे तरह मलंग ना बने। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने सीखी, जब मैं बीमार हुई और जब मेरी मेरे फेस पर स्कार्स आए ना, तो मैं बहुत परेशान हुई। अचानक से आपके फेस पे इस तरह से कोई रेड निशान पड़ जाए तो आप परेशान होते हैं ना। तो मैंने अपने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर, कोई ऐसी कोई क्रीम होगी, कुछ इस तरह का कुछ इंस्टेंट होगा रिजल्ट जिसका कि ये स्कार छुप जाए, ये बर्निंग खत्म हो जाए, क्या ये निशान ऐसे ही रहेंगे। मैंने हजार किस्म के सवाल डॉक्टर से किए और डॉक्टर ना मेरी इस बात पर हंसा और उसने कहा कि बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई ऐसी क्रीम नहीं होती जो इंस्टेंट आपके ये पिंपल्स और ये स्कार्स और ये सारी चीज़ें ख़त्म करते हैं। तो वो लोग बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ हैं वो लोग जो कहते हैं कि हम कुछ क्रीम्स लगाएंगे और पिंपल्स और ये। मैंने जो सीखा है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन अच्छी हो तो आप अपनी डाइट अच्छी रखें। कोई ऐसी क्रीम नहीं है जो आपको गोरा करेगी, कोई ऐसी इंस्टेंट वो नहीं है, क्रीम नहीं है जो आपके पिंपल्स जो है वो ख़त्म कर देगी। मुझे 2 हफ्ते लगे थे रिकवर होने में और अभी भी मेरे फेस पर स्कार हैं। तो जो चीज़ें होती हैं ना जो जल्दी जल्दी सब कुछ कर देती हैं, वो बकवास होती हैं, वो सब एक धोखा है। वो आपको सिर्फ, वो परमानेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप परमानेंट चाहते हैं कि आप हील, आपकी स्किन हील करे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप डाइट अच्छी करें और पानी ज़्यादा पिएं। और एक ड्रिंक है, एक ग्रीन जूस है क्लियर स्किन का, वो मैं आज आप लोगों से बेसिकली शेयर करूंगी इस वीडियो में। इस 2 हफ्ते में मैंने वो ग्रीन ड्रिंक पी और मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों से वो ड्रिंक शेयर करूं। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। तो अब मैं बताती हूँ आपको वो ड्रिंक जिसकी वजह से आपकी स्किन क्लियर हो सकती है, आपके फेस के पिंपल्स जो हैं वो स्लोली 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 बिल्कुल रूट से खत्म हो जाएंगे। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए ड्रिंक के लिए, वो हैं, हमें चाहिए चिया सीड्स। ये चिया सीड्स हैं जिनको मैंने रात को पानी में भिगो दिया था। आप इसको पानी में 2 से 3 टेबल स्पून भिगो के रख दें और सुबह ये फिर इस तरह से हो जाएंगे, और आप इसको तकरीबन 1 हफ्ता यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए मिंट लीव्स, लेमन, जिंजर और क्यूकम्बर। तो सबसे पहले हम क्यूकम्बर को ऐसे काटेंगे और फिर ऐसे। अच्छा, इसका मुझे कोई कनेक्शन नहीं पता, मेरी कोई रिसर्च नहीं है कि ये क्यों करते हैं। बस हमने बचपन से अपनी अम्मा को देखा है, वो कहती है कि खीरा काटो और उसको ऐसे ऐसे करो। इससे क्या नहीं होता अम्मी? कड़वा नहीं होता। कड़वा नहीं होता।
इतनी सी, हम बस इतनी सी जिंजर लेंगे और लेमन के आपने ये बीच निकाल लेने हैं। ये एक हमने लिया इसमें क्यूकम्बर, मिंट लीव्स डालेंगे, जिंजर डालेंगे और ये जो चिया सीड है इसके 1, 2, 3, 4, 5 ये आपको 5 टेबलस्पून लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि जब ये पानी में घुल के खुल जाते हैं ना तो ये इतने ज़्यादा लगते नहीं हैं। फिर उसके बाद हमने एक लेमन, उसके बाद हम डालेंगे एक ग्लास पानी। सारी चीज़ें हमने जूसर में डाल ली हैं, इसके बाद हम इसको करेंगे ब्लेंड। जी ड्रिंक हमारी रेडी है। अगर आप चाहें तो इसको स्टेन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही पीती हूँ। और अगर आपको लगता है कि आप एक दफ़ा ये ड्रिंक पियेंगे और आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी, तो ब्रो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है ना उसको रेगुलर अपनी डाइट में लाना होता है, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये एक दफ़ा आप ड्रिंक पियेंगे और आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। आपको ये रेगुलर अपनी डाइट में, जब आप सुबह उठते हैं तो अपने ब्रेकफास्ट से पहले आपको ये ड्रिंक पीनी ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन क्लियर हो। मुझे क्योंकि फूड एलर्जी थी चिकन और उससे एग से, तो वो निशान इस तरह के थे कि वो किसी भी क्रीम से नहीं जा सकते थे उसके लिए। और उसके अलावा भी डॉक्टर ने मुझे बताया था कि अगर आपके फेस पर कोई इशू है, कोई भी किसी किस्म का एक्नी है, कोई स्कार है, तो कोई भी ऐसी क्रीम नहीं है कि आप वो क्रीम यूज़ करेंगे और एकदम से रिजल्ट आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन अच्छी हो, नीट हो, क्लियर हो, तो उसके लिए आपकी डाइट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्या खा रहे हैं, उसके लिए आपको ये जंक फूड नहीं खाना, उसके लिए आपको ये ऑयली चीज़ें नहीं खानी और अच्छी हेल्दी चीज़ें खानी है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। मुझे तो इस ड्रिंक से बहुत फ़र्क पड़ा और अब ये ड्रिंक मेरी फेवरेट ड्रिंक बन गई है। अब आप लोगों ने भी बनानी है ये ड्रिंक और मुझसे ज़रूर शेयर करना कि आप लोगों को ये ड्रिंक अच्छी लगी, नहीं लगी, और इससे आप लोगों को कोई फ़र्क पड़ा या नहीं। बाय बाय।